गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुषमा त्रिपाठी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने हरिशंकर परसाई की एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है चूहा और मैं। और ये कहानी बहुत ही मजेदार है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, चूहा और मैं। चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था, पर मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया। जो मैं नहीं कर सकता वह मेरे घर का यह चूहा कर लेता है। जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता वह इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। इस घर में एक मोटा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनोई की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर रहे। इस चूहे ने अपना अधिकार मान लिया था कि मुझे खाने को इसी घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक नहीं मान पाया, चूहे ने मान लिया है। लगभग 45 दिन घर बंद रहा, मैं तब अकेला लौटा। घर खोला तो देखा कि चूहे ने काफी क्रॉकरी फर्श पर गिरा कर फोड़ डाली है। वह खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा, क्रॉकरी और डिब्बों में खाना तलाशता होगा। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वह पड़ोस में ही कुछ खा लेता होगा और जीवित रहता होगा। पर घर उसने नहीं छोड़ा, उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था। जब मैं घर में घुसा, बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वह खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। वह शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी। दिन भर वह आनंद से सारे घर में घूमता रहा। मैं देख रहा था, उसके उल्लास से मुझे अच्छा ही लगा। पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ। मैं अकेला था, बहन के यहाँ जो पास में ही रहती है दोपहर को भोजन कर लेता। रात को देर से खाता हूँ तो बहन डब्बा भेज देती, खा कर मैं डब्बा बंद करके रख देता। चूहा राम निराश हो रहे थे, सोचते होंगे यह कैसा घर है, आदमी आ गया है, रोशनी भी है पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते। मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर कुल बुलाता। रात में कई बार मेरी नींद टूटती, मैं उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता और सिर के पास हलचल करने लगता। वह भूखा था, मगर उसे सिर और पाँव की समझ कैसे आई। वह मेरे पाँव की तरफ गड़बड़ नहीं करता था, सीधे सिर की तरफ आता और हलचल करने लगता। एक दिन वह मच्छरदानी में घुस गया। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? इसे मारूं और किसी तरह अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा। फिर भारी अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता। मुझे नींद आती मगर चूहा राम मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगते। आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना घर मान लिया है, वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद यह कहता है, क्यों बे, तू आ गया, भरपेट खा रहा है मगर मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी हक है, मैं तेरी नींद हराम कर दूंगा। तब मैंने उसकी मांग पूरी करने की तरकीब निकाली। रात को मैंने भोजन का डब्बा खोला तो पापड़ के कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ डाल दिए। चूहा कहीं से निकला और एक टुकड़ा उठाकर अलमारी के नीचे बैठकर खाने लगा। भोजन पूरा करने के बाद मैंने रोटी के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखेर दिए। सुबह देखा कि वह सब खा गया है। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे, मैंने 3-4 टुकड़े फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघा और लौट गया। उसे चावल के पापड़ पसंद नहीं। मैं चूहे की पसंद से चमत्कृत रह गया। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाले, वह एक के बाद एक टुकड़ा लेकर जाने लगा। अब यह रोजमर्रा का काम हो गया। मैं डब्बा खोला तो चूहा निकल कर देखने लगता। मैं 1-2 टुकड़े डाल देता, वह उठा कर ले जाता, पर इतने से उसकी भूख शांत न होती थी। मैं भोजन करके रोटी के टुकड़े फर्श पर डाल देता, वह रात को उन्हें खा लेता था और सो जाता। इधर मैं भी चैन की नींद सोता।
चूहा मेरे सिर के पास गड़बड़ नहीं करता। फिर वह कहीं से अपने एक भाई को ले आया। कहा होगा, चल रही मेरे साथ उस घर में, मैंने उस रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकलवा लिया है, चल दोनों खाएंगे, उसका बाप हमें खाने को देगा वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे, हमारा हक है। अब दोनों चूहा राम मजे से खा रहे हैं। मगर मैं सोचता हूँ, आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है? चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा? बच्चों, यहाँ पर ये कहानी खत्म हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना।